अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेंट बर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, वीज़ा और जॉब से रेलेवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिल सके। चले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से आपने स्किप नहीं करनी है, वीडियो को पूरा देखना है। तो जी हाँ, जैसे कि थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो आज की वीडियो जो है स्पेशल पाकिस्तान को लेके है, विजिट वीजा, वर्क वीजा, ठीक है, सब टाइप के वीजों के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगी कि क्या गवर्नमेंट के इकदाम हैं। और तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, 2 साल का लगभग अरसा गुजर चुका है, कोई भी जो है वर्क वीज़े को लेके, विजिट वीज़े को लेके कोई भी इकदाम नहीं है, ठीक है। बट बल्कि उल्टा जो है पाकिस्तान के ऊपर सारी चीज़ें जो है वो डाल के कोई भी विजिटर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, वीज़े इस वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं। बल्कि मुझे कमेंट्स के अंदर लोगों के काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि जी सब रूल्स को फॉलो करने के बाद भी वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो रहा है, ठीक है, वो क्यों हो रहा है। आज तक कोई भी वीडियो इस तरह की ना तो कोई न्यूज़ चैनल लेके आया है, ना ही किसी ने कोई इस तरह की न्यूज़ दी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। हर बंदा ये वीडियो अपलोड कर रहा है कि जी ये रूल्स को ब्रेक करने की वजह से हुआ, और वाकई ही मेरे देखने में भी आया है कि डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने की वजह से भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वीज़े कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट भी थे, उनकी वीज़े रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है। देखिए, अब ये सारे जो इकदाम होते हैं ना, ये होते हैं गवर्नमेंट का काम। गवर्नमेंट का काम, जब यहाँ पे वीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होना स्टार्ट हुए थे तो इंडियंस के साथ भी ये प्रॉब्लम थी, बट वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ के जो है यूएई के किंग हैं उनसे कॉन्टेक्ट किया और सूरत हाल का जायज़ा लिया खुद से। बस स्टिल 2 साल हो चुके हैं, हमारी गवर्नमेंट स्टेबल हो चुकी है, क्योंकि लास्ट अगर 2023 की वीडियोज आप देखेंगे उसके अंदर था कि जी गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो शायद वीजों के मामले में जो है कोऑर्डिनेशन होगी, देन जाके वीजों का। अभी तक स्टिल जो मामला वहीं पे है, ठीक है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये याद है कि जी हमने ओवरसीज पे टैक्स लगाना है, बट ये याद नहीं है कि वीजे क्यों बंद है, क्योंकि लाखों के हिसाब से विजिटर आते थे और यहाँ पे जॉब्स ओपन होती थी, पाकिस्तानियों को जॉब्स दी जाती थी, बट अभी ये मामला बहुत ठंडे पड़े हुए हैं, ठीक है। इसके हवाले से आने वाले एक थोड़ी सी गुड न्यूज़ थी, ठीक है, जो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करना चाहूँगी, उसको आपने लाजमी सुनना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। वो गुड न्यूज़ अब क्या है, चले इंतज़ार ख़त्म करवाती हूँ, वो आपको बताती हूँ कि क्या है। बेसिकली जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ, इसके हवाले से उन्होंने लेटेस्ट एक जो है उनका न्यूज़ के अंदर उनका आया था कि ये जो इश्यूज क्यों हो रहे हैं, ठीक है। उनका भी बेसिकली कहना यही था कि पाकिस्तान से लोग जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, वहाँ पे जाके लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, और जिसकी बेस के ऊपर क्या होता है कि पाकिस्तानियों को इस तरह के वीज़ों के इशू फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। बेहतर यही है कि जो वहाँ पे मौजूद हैं या जो विजिटर जा रहे हैं वो रूल्स को फॉलो करें, क्यों, क्योंकि जब हमने कोऑर्डिनेशन किया तो यही बातें सुनने में आई कि जी पाकिस्तान की तरफ से रूल्स बहुत ब्रेक हो रहे हैं, जिसकी बेस पे जो है इस तरह के वीज़ों के अंदर इश्यूज आए हैं। स्पेशली जो है लेबर में क्या हो रहा था कि लोग जो है वीज़े बाय कर लेते थे, उसके बाद कैंसिलेशन में इशू आता था, ठीक है। विजिटर की बात करें तो विजिटर पूरी रिक्वायरमेंट्स नहीं करते थे, तो इस वजह से जो है यहाँ आके वो क्या होते थे कि वो उन्हें मांगना पड़ता था। तो इस वजह से हमने वीज़ों के लिए कुछ टाइम के लिए स्ट्रिक्ट किया, क्योंकि हम स्पेस बना रहे हैं। स्पेस जो क्या है कि पहले यहाँ पे जो इनलीगल लोग हैं उनको जो है लीगल किया जाएगा, जो यहाँ पे नहीं रहना चाहते वो अपने कंट्री एग्जिट करना कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ओपन जॉब्स भी होंगे और वीज़े भी प्रॉपर बहाल कर दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए मस्ट यही ज़रूरी है कि रूल्स को फॉलो किया जाए।
तो उन्होंने स्पेशली जो रिक्वेस्ट की है सारे ओवरसीज से विजिटर से कि वो यहाँ पे रहते हुए रूल्स को फॉलो करें, ठीक है, और फजूल एक्टिविटी मत करें, कोई भी ऐसी वीडियो अपलोड या कोई भी इस तरह का एक्टिविटी मत करें कि जो यहाँ के रूल्स को ब्रेक करते हो, ठीक है। ये बेहतर है कि आने वाले टाइम में वीजे स्टेबल हो जाएंगे, तो ये लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। यकीनन आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।